सेक्टर 6 में स्थित सामान्य अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट विभाग की आरोपी डॉक्टर पूनम भार्गव के मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की अग्रिम जमानत की याचिका पर पुलिस ने अपना जवाब दायर किया। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पुलिस द्वारा दायर जवाब पर बहस भी हुई। सुनवाई के दौरान मामले में उस समय नया मोड़ आया जब बचाव पक्ष के एडवोकेट प्रमोद भारद्वाज ने कोर्ट में पंजाब के एक गिरोह द्वारा डॉक्टरों के गर्भपात करने का स्टिंग कर ब्लैकमेल कर पैसे उगाही का गोरख धंधा चलाने की जानकारी दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंजाब के संगरूर जिले में पिछले दिनों वहां की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया था जो सुनियोजित तरीके से डॉक्टरों का स्टिंग ऑपरेशन करके उन्हें ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए ऐंठते थे। बचाव पक्ष के एडवोकेट प्रमोद भारद्वाज ने कोर्ट में भी यह दलील रखी कि इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर पूनम भार्गव पीड़ित है क्योंकि उनको ही ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया जा रहा है।